कोडरमा में मानसून की बारिश के साथ जहां किसानों के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं निर्माणाधीन एनएच के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फोरलेन निर्माण के साथ नाला निर्माण में बरती गई लापरवाही के कारण तिलैया बाईपास में कमोबेश हर इलाके में यह स्थिति बनी हुई है। खासकर नरेश नगर में नाला निर्माण नहीं होने के कारण खाली पड़े भूभाग में जमा पानी अब घरों में घुसने लगा है। स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी फोरलेन निर्माण कंपनी पर लापरवाही के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां न तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही लोगों की सुविधा का। बहुत सारा दिक्कत आ सकता है क्योंकि नाला बहुत ऊंचा हो चुका है, तो उससे घर वाले को जो भी बनाएगा उसको प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। कितना ऊंचा है नाला? लगभग यहाँ से घर से लगभग 8 फीट नाला ऊंचा हो जा रहा है रोड। अब बारिश के दिनों में क्या होगा? बारिश के दिन तो पूरा लबालब पानी भर जाएगा इसमें, और कोई जगह भी नहीं है पानी निकालने के लिए। इसका जो मकान जो बनी हुई है, ये तो नाला ऊंची है, तो इसका पानी नाला पे नहीं आ रहा है। बरसात होने पे पूरा नाला जम जा रहा है, ये बारिश का पानी जम जाने पे इसका कोई उपाय किया जाए सर? कितना ऊंचा बना है नाला? नाला तो ऊंची है सर, लगभग 4 फीट हो गए इधर से। कहीं ना कहीं देरी का कारण भी है, जिसके कारण की 2 दिनों की ये बारिश में पूरा जल जमाव की स्थिति हो गई। झुमरी तले एक तरह से कहिए तो पूरा डूब ही गया। तो कहीं ना कहीं जब भी रोड बने, जहां पर भी बने, कम से कम ड्रेनेज सिस्टम को पहले ध्यान में रख करके काम होना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं जनहित को ध्यान में रख करके, लोगों को कैसे हम सुविधा दे सके इसको ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। तो कल हमारे पास भी बहुत फोन आया कि रोड के सामने में डॉक्टर आर कुमार जी हैं, उधर उस बस्ती से भी फोन आया, कई जगह से, कई वार्डों से फोन आया कि मैडम हम लोग के सामने में पूरा पानी जमा है, और आप थोड़ा सा वक्त हम लोग दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी रोड वाले काम कर रहे हैं, NHAI है या तो फिर नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सभी जगह में पूरे जोर शोर से ये काम को देखे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कम से कम सही हो, जिससे लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP Morgan और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।